उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी हुई है। देवरिया से ये खबर, जहां महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी, कांग्रेस नेता पर मारपीट का आरोप है। टिकट नहीं मिलने से नाराज थी महिला कार्यकर्ता, कांग्रेस ने मुकुंद मणि भास्कर को टिकट दिया है। देवरिया सदर सीट पर होना है उपचुनाव, महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। तो देखिए, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता से बदसलूकी हुई है, कांग्रेस नेताओं पर मारपीट के आरोप लगे हैं। टिकट नहीं मिलने से महिला कार्यकर्ता नाराज थी, कांग्रेस ने मुकुंद मणि भास्कर को दिया है टिकट। देवरिया सदर सीट पर उपचुनाव होना है, महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। तो ये तस्वीरें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ही, कांग्रेस नेताओं पर ही मारपीट के आरोप लगे हैं, महिला कार्यकर्ता को पीटा है। टिकट नहीं मिलने से महिला कार्यकर्ता नाराज थी और किस तरह का मामला हुआ, क्या वजह है, क्यों झगड़ा हुआ, क्यों मारपीट हुई, जानने की कोशिश करते हैं। संवाददाता राजू फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजू, जिस तरह की हम खबर समझ पा रहे हैं, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस महिला नेत्री पर मारपीट कर रहे हैं उसके साथ? बिल्कुल पारस, सही कहा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, एक तरफ कांग्रेस की बात करें तो विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमला करता नजर आता है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें, देखा जाए कांग्रेस के अगर नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अगर मारपीट होती है तो संदेश क्या जनता के बीच में जाएगा, ये हम नहीं आप सब लोग जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में टाउन स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर, उस समय हंगामा मच गया जब एक कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्वांचल सह प्रभारी सचिन नाइक को ऊपर गुलदस्ता को उनके ऊपर फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ, महिला ने थप्पड़ भी चला दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया, कार्यकर्ताओं ने महिला कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। कुछ नहीं, कार्यकर्ताओं ने रोकने की भी कोशिश की उसके बाद भी, लेकिन महिला कार्यकर्ता के साथ आई तीन महिलाओं को भी जमकर कांग्रेस के नेताओं ने पीटा। ये बहुत एक दर्दनाक कहानी है, क्योंकि एक महिला ने अगर हाथ चलाया तो उसको पुलिस के लिए अगर फोन करते उसको पकड़ पाते क्या कारण था, पर महिलाओं को जिस तरीके से नेताओं ने पीटा ये शर्मनाक बात है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखा जाए, जिस तरीके से वो भी पार्टी की वर्कर थी तीनों महिला, और आपको मैं बता दूं पूनम, जिस तरीके से देवरिया विधानसभा से भाजपा के जन्म तीन विधायक थे उनकी असामाजिक मौत के बाद यह सीट खाली हुई थी उपचुनाव के लिए, तो जिस तरीके से ये सीट खाली हुई जिसके बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता मुकुंद भास्कर मणि को उम्मीदवार घोषित किया गया। बड़ा ही अजीब है राजू, एक तरफ महिला के साथ बढ़ते अपराध उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर लगातार आप भी खबरें भेजते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद कांग्रेस का लगातार बढ़ते क्राइम को लेकर आवाज उठाना, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं को पीटा जा रहा है, तो भला कांग्रेस अब किस मुंह से सामने आएगी? बिल्कुल पारुल, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छी बात की आपने। जिस तरीके से देखा जाए, एक तरफ कांग्रेस जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर योगी सरकार पर जिस तरीके से हमला करती है, और आज उसी की पार्टी में जिस तरीके से महिला को पीटा गया, उसके साथ में तीन महिलाएं और थी उसको पीटा गया, क्या कांग्रेस की सोनिया गांधी की बात करें या राहुल गांधी की बात करें या सुरेश लल्लू की बात करें, अजय कुमार लल्लू की बात करें, कितनी कार्रवाई कर पाएंगे वो इनके ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई है। और यहाँ पर देखा जाए मामला, वैसे देखा जाए महिला का कहीं तक ठीक था, उसने जिस तरीके से कहा राष्ट्रीय सचिव नाइक को मारा, और सचिव नाइक पूर्वांचल सह प्रभारी है और जो संगठन का काम देखते हैं, महिला नेता तारा देवी ने बस यही बताया था चार साल से पार्टी सदस्य है, उसके बाद में इन पर रेप का भी आरोप लगाया, उन्होंने कहा रेप पीड़ित जो आदमी है उसको टिकट न देकर किसी और को टिकट दी जाए, जिससे जनता के बीच में वोट भी मिलेगा, सब कुछ होगा। पर जिस तरीके से देखा जाए सह प्रभारी ने जिस तरीके से उनको मारा पीटा, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को मारा पीटा, और उन्होंने ये भी कहा तारा देवी ने कि साफ साफ छवि वाले व्यक्ति को टिकट दी जाए, जिससे ये बात सचिन नाइक ने महिला नेता तारा देवी पहुंची। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ता क्राइम ग्राफ, दूसरी तरफ कांग्रेस जो लगातार सत्ता को घेरती है, और जनता अब सत्ता पक्ष से तो वैसे ही बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन विपक्ष आवाज उठाता है उससे जरूर उम्मीद थी, अब उसी पार्टी के अंदर अगर इस तरह के कृत्य होंगे तो भला किससे उम्मीद लगाइएगा। बहुत शुक्रिया राजू, और इस वीडियो में क्या कुछ हुआ है वो आप सुनिए।
Oh, yeah, oh, yeah, but no loss.